हेलो फूडीज, वेलकम टू माय लाइफ इज कुकिंग। तो आज हम एक पंजाब की बड़ी फेमस ऐसी आलू कुलचा बनाएंगे, और वो भी हम आज तवे पर बनाने वाले हैं इजी मेथड से। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने माय लाइफ इज कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए आलू कुलचे के लिए, वो है मैदा, बॉइल्ड एंड स्मैश आलू, तो एकदम बारीक कटी हुई। यहाँ पर हमने प्याज ली है, साथ में हरी मिर्च और अदरक लिया हुआ है। तो यहाँ पर लिए हमने लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, काला नमक, बेकिंग पाउडर है, ऑयल है, घी है, कसूरी मेथी, पुदीना, बेकिंग सोडा, साबुत धनिया को हमने थोड़ा सा कूट लिया है, शक्कर है और नींबू का रस। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू कुलचे के लिए डो बनाएंगे। तो हमने लिया है मैदा, उसमें डालेंगे हम नमक, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे, एक पिंच जितना ही, सिर्फ एक पिंच ही डालना है हमें बेकिंग सोडा, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना हम ऑयल डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, और हमें एकदम सॉफ्ट सा आटा गून लेना है। तो कई लोग इसमें दही भी डालते हैं, पर हम नहीं डालते हैं। तो आप चाहे तो 2 टेबलस्पून दही ले सकते हैं, तो सामने आप 1 टेबलस्पून ऑयल ही लीजिए। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से सॉफ्ट सा डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे, और तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग के लिए हम एक बाउल में हमारे स्मैश के आलू लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी प्याज, तो इसे भी एकदम बारीक काट लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और साथ में अदरक, तो आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, आप चाहे तो डालें वरना ना डालें, मुझे पसंद है इसलिए मैंने पुदीना डाला है, और आप चाहे तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, एक नींबू का रस, आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, अब हम इसमें डालेंगे क्रश साबुत धनिया, गरम मसाला पाउडर, काला नमक, नमक डालेंगे तो वो अपने आप हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कम ज़्यादा। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब हम डालेंगे हल्दी और धनिया जीरा पाउडर, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग तो तैयार है, अब हम कुलचे बनाएंगे। तो हमारा डो भी हमने रेस्ट आधे घंटे के लिए रखा था, वो भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये पूरी लोई हम ले लेंगे आटे की, और अब हम इसे अच्छे से पहले गोला बना लेंगे, और अब हम इसे रोल कर लेंगे। तो हमें इसे बड़ा सा कोई भी शेप में आप रोल कर लीजिए। तो हमने बड़ा से एक रोटी जैसा बेल लिया है, तो थोड़ी सी थिक हमें ऐसी रखना है इसे, तो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो इसे अब हम ऐसे करके रोल कर लेंगे। और इसे ऐसे साइड से भी रोल कर लेना है हमें, और एकदम बीच में आ जाए, ऐसे वापस से इसका गोला बना लेना है। और अब हम इसे वापस से बेल लेंगे। तो ये वापस से बेल लिया है हमने, अब वापस से हमें इस पर घी लगाना है, और वापस से इसे हमें रोल कर लेना है। तो हमने रोल कर लिए इसे, अब रोल को 1 से 2 बेलन ऐसे मार्की से अच्छे से सील कर लेना है। और अब हम फाइनल इसकी जो लुइया है वो बनाएंगे। तो इसे बीच में से थोड़ा थोड़ा काट लीजिए, और अब हम इसकी लुई बना लेंगे।
और ये लुई हमने बना ली है। अब हम इसे बेल लेंगे। तो हमने पूरी के जैसा बेल लिए हैं। अब हम इसमें हमारे स्टफिंग रखेंगे और अब हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे। इसे अच्छे से सील कर लीजिए और इसे हाथों से, आप चाहे तो ऐसे हाथों से दबाकर बना सकते हैं कुलचे, या आप चाहे तो बेल सकते हैं। तो हमने हाथों से बना ली है। इस पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे और वापस इसे थोड़ा सा रोल कर लीजिए ताकि ये अच्छे से इस पर चिपक जाए। तो ये चिपक गया है। इसे थोड़ा ये उल्टा कर इस पर हम अच्छे से पानी लगाएंगे। एकदम अच्छे से लगाना है ताकि तवे पर हमारा ये कुलचा चिपक जाए। और अब हम इस पर डाल देंगे जिस साइड हमने पानी लगाया था और इसे अच्छे से ऐसे दबा देंगे। ये अच्छे से चिपक जाना चाहिए हमारे तवे पर। और अब हम इसे एकदम ऐसे फ्लेम पर उल्टा रख कर, तो इसे ऐसे कर अच्छे से सेक लेना है ऊपर से। तो आप देख सकते हैं उल्टा कर इसमें कितनी अच्छी सी डिज़ाइन आ चुकी है। तो अब हम इसे लेकर सीधे ओपन फ्लेम पर ही से नीचे से सेक लेंगे। तो हमने अच्छे से एकदम सेक लिया है। इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। आप बटर चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरे बना लेते हैं। अब देख सकते हैं हमने सारे कुलचे तैयार कर लिए हैं। तो ये आलू कुलचे की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक माई लाइफ इज़ कुकिंग पर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माई लाइफ इज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।